फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीना जायसवाल फ्रॉम देहरादून। मैं आप लोगों के सामने फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज बनाएंगे मूली की सिंगरे। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैंने अच्छे से धो के और सुखा के रख लिए हैं। और इनके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैं डालने के लिए हमने ये लिया है प्याज है, एक मीडियम साइज की प्याज ली, 3-4 कलियाँ लहसुन के, 2 हरी मिर्च ली है, 2 लाल मिर्च है ये तड़के के लिए, थोड़ा सा अदरक लिए थोड़ी सी टुकड़ा, और बहुत थोड़ी सी मैंने अजवाइन लिए तड़के में डालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सिंगरों को काट लेंगे। इस तरह से थोड़ा बारीक बारीक काटेंगे हम, थोड़ा सा आगे का हिस्सा निकालेंगे, ये थोड़ा सा कटिंग कर देंगे इसकी, थोड़ा सा पीछे से काटेंगे और थोड़े थोड़े पीसों में काट लेती हूँ। चलिए फिर काट के दिखाती हूँ किस तरह से काटने हैं ये। देखिए सिंगरों को मैंने इस तरह से काटा है, इस तरह से छोटे छोटे पीसों में काट लिया है। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है, आज हम ये सब्जी बनाएंगे कढ़ाई में। इसमें डालेंगे तेल, तेल थोड़ा इसमें ज़्यादा डलेगा सिंगरे में, इसलिए थोड़ा तेल ज़्यादा डालें। अच्छे से गर्म हो चुका है, इससे धुआं भी निकलने लग गया है। सरसों के तेल में जब तक धुआं अच्छे से ना निकलने लग जाए, जब तक इसमें कुछ ना डालें, बनता है इसमें तेल कच्चा रह जाता है। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, इनको तोड़ के डालें हमेशा, ताकि ये नहीं तो चटकती है, ऊपर गिरने का डर रहता है। डालेंगे अजवाइन, लहसुन, इन तीन चीज़ों को अच्छे से भूनने देंगे। देखिए लहसुन हमारा अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, अदरक, से भी भूनने देते, थोड़ा सा रोस्ट होने देंगे इसे भी। प्याज डाल देंगे थोड़ी सी, प्याज को उतना भूनेंगे जब तक हमारी गुलाबी सी प्याज ना हो जाए, जब तक इसे भूनेंगे। प्याज हमारी पक चुकी थी, अब हमने आलू को गेर दिया। आलूओं को हम पकाएंगे करीब करीब 1 मिनट के लिए पकाएंगे आलूओं को, क्योंकि जो है सिंगरे हमारे जल्दी पक जाएंगे, आलू थोड़ा देर से पकेगा। सिंगरों को डाल देते हैं इस तरह से, ये सब्जी खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, इसे आप मिस्सी रोटी के साथ कभी खा के देखना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी लगती है। और पूरी पराठे के साथ तो लगती अच्छी, मिस्सी रोटी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है सब्जी। चलिए इस तरह से थोड़ी सी देर चलाएंगे, फिर इसमें डालेंगे अपना सूखे मसाले। ये सूखे मसाले के साथ भी सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे आप अगर चाहें तो आप गीले मसाले से भी बना सकते हैं, लेकिन सूखे मसाले से अच्छी लगती है। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूंगी, टमाटर का टेस्ट इसमें जो है अच्छा नहीं लगता है। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप टमाटर डाल सकते हैं इसमें। चलिए अब हम डालेंगे इसमें अपने सूखे मसाले। हाफ टी स्पून डालेंगे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, फुल टी स्पून डालेंगे धनिया पाउडर, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा भी नमक आप खाते हैं उस तरह से। मैं वैसे इंदा नमक यूज करती हूँ, तो थोड़ा नमक मेरा ज़्यादा डलेगा ये। चलिए मसाले सारे हमने डाल दिए, अब हम करेंगे इन्हें सब मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, सारी जाके मसाला हमारी सारी जगह अच्छे से लग। 2 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए। देखिए 2 मिनट हो गए, सब्जी को खोल के देख लेते हैं कैसी हुई। एक बार मैंने बीच में इसे खोल के देखा था चला के, और सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है, आलू भी अच्छे से गल चुका है। देखिए सब्जी का कलर कितना चेंज हो गया, और देख लेते हैं आलू को उठा के देखेंगे इस तरह से कि आलू हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अपना धनिया पत्ती, फ्रेश धनिया लेंगे, इसको डाल देते हैं। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, बहुत थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला चारों तरफ डाल देंगे। चलिए सब्जी को करेंगे मिक्स।
कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये रेसिपी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर ज़रूर बताना कि हमारी आप लोगों को ये सब्ज़ी कैसी लगी, सिंगरे की सब्ज़ी। चलिए मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ।